मॉडल गर्ल अयान अली की परेशानी आखिर हुई खत्म। सिनाई कोर्ट में रेफरी जज जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो ने अयान अली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल रखना खिलाफ कानून करार दे दिया और हुक्म दिया है कि अयान अली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से फौरी खारिज किया जाए। फैसला सुनने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अयान अली के वकील कादिर खान मंदोखेल एडवोकेट ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत अदालत के फैसले के बाद तासुब को छोड़कर अयान अली का नाम ECL से निकाल देगी। उम्मीद रख रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत अपने तासुब और हमाकत से बाज रहेंगे और अयान अली का नाम जो है ना वो खारिज करके और उनको बाहर जाने देंगे। मॉडल गर्ल अयान अली को बैरून मुल्क जाने से कराची एयरपोर्ट पर रोका गया था, जिसके बाद अयान अली की जानिब से अदालती हुक्म के बावजूद तीसरी बार नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत की और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तहम दो रुकनी बेंच की राय मुनकसिम होने पर फैसले का इख्तियार रेफरी जज को मुंतकिल कर दिया गया, जिसने ECL से नाम निकालने का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने अयान अली का नाम ECL से निकालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए वफाकी हुकूमत को मोहलत दे दी है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा राजा मोहम्मद साकिब, 24 न्यूज़ कराची।